हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलेश और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं DBS इंडिया फैन क्लब में। सो फाइनली हम जिस चीज़ की वेट कर रहे थे वो हमें मिल चुकी है। हम वेट कर रहे थे स्पॉयलर्स की, कुछ न्यू स्पॉयलर्स की, एंड जो स्पॉयलर्स हमें मिले हैं उसे देखकर वेजिटा फैंस काफ़ी खुश होंगे। सो जो स्पॉयलर्स है वो कुछ इस तरह से, एपिसोड 122 टेकिंग इज प्राइड वेजिटा चैलेंजेस द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये टाइटल तो हमें काफ़ी पहले ही मिल चुका था बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। सो फाइनली अब हमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी मिला है। वेजिटा अटैक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जिरेन, ओनली वॉरियर्स फ्रॉम यूनिवर्स 7 एंड 11 रिमेन एट द टूर्नामेंट ऑफ पावर। इंस्टेड ऑफ गोकू वेजिटा चैलेंजेस जिरेन टू बैटल। तो जो एपिसोड 122 है उसमें फ्रीजा भी हरकत में आने वाला है और फ्रीजा का नेक्स्ट टारगेट होगा डिस्को। फाइनली गाइज, हमारे पास अब सिर्फ दो ही टीम्स बाकी रहेंगी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। स्पॉयलर्स के हिसाब से ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि जो एपिसोड 121 है उसमें यूनिवर्स 3 भी इरेज होने वाला है। सो एपिसोड 122 के स्टार्ट से हमें देखने मिलेगा 3 vs 5 का कॉम्बिनेशन। यूनिवर्स 11 के पास 3 वॉरियर्स बाकी रह जाएंगे एंड यूनिवर्स 7 के पास रह जाएंगे 5 वॉरियर्स। जहाँ तक कि हर किसी ने यही कंफर्म किया है कि जो एंड्रॉयड 18 है वो एपिसोड 121 में एलिमिनेट हो जाएगी। सो स्पॉयलर्स के हिसाब से जो 2018 की शुरुआत होने वाली है वो वेजिटा फैंस के लिए काफ़ी अच्छी है, बिकॉज जो सबसे पहला एपिसोड होने वाला है वो वेजिटा सेंट्रिक होने वाला है। वेजिटा चैलेंज करने वाला है जिरेन को। स्पॉयलर्स में ये भी है कि जो हमारा फ्रीजा है वो भी डिस्पो को चैलेंज करेगा। सो बाकी के बचे वॉरियर्स का क्या होने वाला है? सो फर्स्ट थिंग मैं ये आपको बता दूं कि गोकू को रेस्ट मिलने वाला है अब, बिकॉज गोकू को काफ़ी स्क्रीन टाइम दे चुके हैं ये लोग। सो जैसे कि अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोटल 8 से 9 एपिसोड ही बाकी हैं, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग किस तरह से मैनेज करने वाले हैं 5 vs 3 का कॉम्बिनेशन। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूनिवर्स 7 के किसी एक वॉरियर को कुर्बानी देनी पड़े। कुर्बानी मीन्स कि हो सकता है कि कोई एक वॉरियर ऐसा हो जिसे शाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। सो मैं उन वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ जो एंड में 4 बाकी रह जाएंगे। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है एंड्रॉयड 17 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो टोपो उसे एलिमिनेट कर देगा नेक्स्ट एपिसोड्स में। सो यूनिवर्स 7 के पास फिर बचेंगे 4 वॉरियर। हो सकता है कि वेजिटा को शाइन करने का मौका मिल जाए एंड वो एपिसोड 123 में एलिमिनेट ना हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी ये क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐसा हुआ कि वेजिटा वर्सेस जिरेन होगा अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो कौन जीतेगा। 62% लोगों ने कहा कि वेजिटा जीतेगा। आई नो ये सारे वेजिटा फ्रेंड्स ही होंगे जिन्होंने वेजिटा के लिए वोट किया है, बिकॉज अगर लॉजिकली सोचे तो मुझे नहीं लगता कि वेजिटा किसी भी एंगल से जिरेन के आगे टिक पाएगा। अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि जिरेन ने कितनी परसेंट पावर यूज़ की है अपनी, बट हम अज्यूम करते हैं सपोज़ कि वो 10% पावर यूज़ कर चुका है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेजिटा जिरेन से फाइट करेगा तो हो सकता है कि वो उसे 70 या 80% तक पुश कर जाए। कहने के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि वेजिटा उसे पुश करेगा कि वो 70 to 80% पावर यूज़ करे, बट ऐसा तभी ही होगा जब वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑफेंस मोड मिलेगा। टोरियामा को वेजिटा को शाइन करने का मौका देना ही पड़ेगा, बिकॉज हर बार वो सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि वेजिटा को एक पपेट की तरह यूज़ किया जाए या सपोर्टिंग रोल की तरह यूज़ किया जाए, कभी भी मेन लीड ना दिया जाए। हर बार आप वेजिटा फैंस को अपसेट नहीं कर सकते। सो हम उम्मीद करते हैं कि वेजिटा को भी शाइन करने का मौका मिले, जिस तरह से ये लोग गोकू को एंड तक बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वेजिटा भी एंड तक टिके रह जाए। और दूसरी तरफ एपिसोड 122 में और एक चीज़ होने वाली है, वो है फ्रीजा की फाइट डिस्पो के साथ। फ्रीजा अपना नेक्स्ट अपोनेंट डिस्पो को चूज़ करता है। सो ये एक क्लियर साइन है कि डिस्पो अब एलिमिनेट होने वाला है यूनिवर्स 11 के साइड में से। बिकॉज हम पावर लेवल की बात कर ले या किसी भी स्ट्रेटेजी की, तो फ्रीजा के सामने डिस्पो किसी भी एंगल से नहीं टिक सकता। सो कहीं ना कहीं एपिसोड 123 के एंड तक यूनिवर्स 11 के पास बचेंगे 2 वॉरियर जिरेन एंड टोपो, एंड यूनिवर्स 7 के पास बचेंगे 4 मेन कैरेक्टर्स। सो अब आने वाले एपिसोड्स में देखने की ये बात होगी कि इन 4 कैरेक्टर में से कौन हो सकता है जो ड्रैगन बॉल सुपर में एंड तक चला जाएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर के। सो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज मैं अभी फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग थियरीज लाने वाला हूँ। सो फिर मिलेंगे ड्रैगन बॉल सुपर के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।